मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? खाना खाया आपने? गुड, बहुत अच्छी बात। आज हम पढ़ेंगे घटाना। घटाना को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहते हैं और घटाना का मतलब होता है कमी करना। तो आइए देखते हैं एक प्रश्न को। बच्चों, एक सवाल है, 2 ऋण 1, यानी कि हमें 2 में से 1 को माइनस करना है, यानी कि घटाओ करना है। तो आप इसे कैसे करोगे? तो अभी मैंने बताया घटाओ का मतलब होता है कम करना। जैसे बच्चों, आपके पास 1 और 2 2 टॉफी है, और क्या करना है, इन 2 टॉफी में से यहाँ क्या दिया है, -1 1 दिया गया है ना, यानी कि हमें 1 को कम कर लेना है। तो बच्चों, यदि आप 1 टॉफी को खा गए तो कितना बच गया? तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 1 बच गया। तो 1 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर, यही हो गया आपका उत्तर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम एक और सवाल देखते हैं। हमें 3 में से 2 को घटाना है, तो आप इसे कैसे घटाओगे? अभी मैंने बताया ना, जैसे आपने इसको घटाया था वैसे ही इसको करना है। तो अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, 1 2 और ये हो गया 3। आपके पास 3 टॉफी है, अब इस 3 टॉफी में से आपको 2 कम करना है। तो 2 कम करने के लिए आप 2 टॉफी को खा डालिए। तो बच्चों कितना बचा, 3 में से 2 गया, 1, तो 1 बच गया ना बच्चों। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी बच्चों हमें 5 में से 3 को घटाओ करना है। तो कैसे घटाओगे आप? अभी मैंने 2 सवाल आपको बता दिए। जैसे आपने इसको घटाया था ऐसे ही इसको घटाओ करना है, लेकिन इसको घटाने के लिए ना हमें हर बार तो टॉफी नहीं होगी। तो क्या करोगे, हम 5 है ना, तो 5 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 है ना, तो कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो 3 को हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, 1 2 और 3। तो कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया ना। तो 2 यहाँ लिख लो, बहुत मजा आया ना। तो यही हो गया बच्चों ना आपका आंसर। एक और सवाल देखते हैं। अब बच्चों हमें 7 में से 4 को घटाना है। ओके, तो 7 में से 4 को कैसे घटाएंगे? तो 7 लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों अभी आपके पास पेंसिल होगी या कलम होगा तो आपको मिटाने में होगी दिक्कत, क्योंकि मेरे पास मार्कर है, मैं तो ऐसे मिटा लेता हूँ। आपको क्या करना है, 4 को घटाना है ना। तो 1 2 3 4, 4 को हम काट दिए, तो कितना बचा, 1 2 और 3। तो 7 में 4 गया, 3 बच्चा बच्चों। ओके, अब बच्चों हमें 8 में से 4 को घटाओ करना है। तो अभी मैंने बहुत सारे आपको सवाल बता दिए, तो ऐसे ही इसको भी करना है। दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ। चलो मैं ही बता देता हूं। तो घटाने के लिए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना घटाना है, नीचे वाली संख्या में कितना है, 4 है। तो 1 2 3 और 4, कितना बचा, 1 2 3 4, 4 बचा ना। तो 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो बस इसका यही हो गया उत्तर बच्चों। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जिसे हमें आप होमवर्क करके दिखाएंगे और अपने मम्मी पापा को भी दिखाएंगे। तो 9 -3, इसे
आप घर पे करेंगे और अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे, और शरारत नहीं करना है, मम्मी पापा का कहना मानना है और समय समय पर भोजन करना है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने और भी दोस्तों में शेयर करो। ओके ओके बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। यदि यह वीडियो किसी गार्जियन द्वारा देखी जा रही है तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके बच्चों तक हम प्रोवाइड करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।